नागपुर के प्रेस क्लब में आज भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने के लिए भोजपुरी समाज द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस वक्त कई कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। महान इतिहासकारों, महाकाव्यों, सांस्कृतिक धरोहरों से परिपूर्ण है जिसकी सांस्कृतिक भाषा भोजपुरी है। भोजपुरी भाषा व्यवहारिक रूप से एक स्वतंत्र भाषा है और इसकी उत्पत्ति मगधी प्राकृत से हुई है। बंगाली, उड़ीसा, आसमिया, मैथिली, मगधी आदि भोजपुरी की बहन भाषाएं हैं। मुख्य रूप से भोजपुरी भाषा उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी, जिसे भारत की सांस्कृतिक भारत राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसे मॉरिशस, फिजी, गयाना, सुरीनाम, सिंगापुर, उत्तर अमेरिका और लैटिन अमेरिका में भी बोला जाता है। भोजपुरी भाषा का इतिहास भी सदी से शुरू होता है। यहाँ तक कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री से लेकर कई प्रधानमंत्री भोजपुरी क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया के कई देशों में भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया है, जबकि भारत देश में क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है। अंततः वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि भोजपुरी बोली जाने वाली लोकसभा वाराणसी काशी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समस्त भोजपुरी समाज की उनसे यह अपेक्षा है कि भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करके करोड़ों भोजपुरी समाज बांधव स्वप्न को जल्द से जल्द साकार करे। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदही चौहान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम है। मित्रों, हमारा एक संगठन है भोजपुरी विचार मंच। वो भोजपुरी विचार मंच एक चीज के संघर्ष के लिए है कि हमारी जो भाषा है वो भोजपुरी भाषा है। भोजपुरी बोलने वाले इस देश में लगभग 20 से 25 करोड़ लोग हैं, लेकिन हमारी भाषा को संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हमारा संकल्प और संघर्ष इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने का है, उसी को लेकर के आज यहाँ पे प्रेस है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे निरंतर ये मांग चलती रही है। 1971 में पहली बार इस भाषा के लिए प्राइवेट बिल लेकर के भूपेश झा जी ने प्राइवेट बिल संसद में पेश किया। उसके बाद से 15 प्राइवेट बिल पेश हो चुके हैं और अभी 2016 में सरकार ने यह आश्वासन दिया कि इसको जल्दी से संवैधानिक, जल्दी से जल्दी इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस के उस समय तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम जी ने लोकसभा में खड़ा होकर के ये बात कही, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अभी पिछली 2019 की लोकसभा में एक सांसद गोरखपुर से चुन करके आए रवि किशन जी, जब वो भोजपुरी भाषा में शपथ लेना चाहते थे तो उसके लिए उनको अलाउ लोकसभा में नहीं किया गया। वो अलाउ इसलिए नहीं किया गया कि वो संवैधानिक भाषाओं की सूची में हमारा समृद्ध नहीं है भोजपुरी लैंग्वेज, इसलिए नहीं लेने दिया गया। तो जो छोटी छोटी भाषाएं इस देश में हैं, मैं किसी भाषा, किसी क्षेत्रीय भाषा का विरोधी नहीं हूँ, ना किसी क्षेत्रीय भाषा को कम करके आंकने का मेरा विचार है, लेकिन जो छोटी छोटी भाषाएं हैं, उड़िया है, यहाँ पे गढ़वाली भाषा है, तमाम गुजराती भाषा है, मराठी भाषा है, तमाम भाषाएं, इस तरह से तकरीबन 22 भाषाएं। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।